टू ऑल. आई एम रुपिंदर कौर, डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, RPIIT कैंपस करनाल. टुडे माई टॉपिक इज बजट. मीनिंग ऑफ बजट. अ बजट मे बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल और अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रियर टू अ डिफाइंड पीरियड और टाइम विच फोकसेस ऑन पॉलिसीज टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव. Budgeting refers to a formulation of plans for future activities which lay down carefully constructed objectives and programs of activity and provide yardsticks by which deviations can be measured. It means कि budget हमारा एक financial statement है और इसको हम formulate करते हैं. इसे हमें future के लिए जो plan किया जाता है हमारी activities के लिए, जो हमने फ्यूचर में कुछ भी प्लान किए हैं उन्हें अचीव करने के लिए हमें कितना बजट चाहिए, कितने हमें फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट होगी उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए, हमें जितना बजट चाहिए, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो सभी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और इन्हीं के बिहाफ पर ही हम अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा कर पाते हैं और उसे अपनी अपने प्रोग्रेस को हम मेजर कर सकते हैं. इसीलिए बजट बनाना बहुत ही कंपलसरी है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए. द फॉर्मेट ऑफ ए बजट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंड इज अपडेट मंथली एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. कि जब भी हमने बजट बनाना होता है, फॉर्मेट करते हैं हम बजट को, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होने वाला होता है उससे कुछ महीने पहले ही नए ईयर के बारे में प्लान कर लिया जाता है. आफ्टर ऑल द इनकम प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड बाय द डिपार्टमेंट हेड, द कंट्रोलर रिव्यू देम विद जनरल मैनेजर बिफोर स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट द प्रपोज्ड बजट. और जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स हेड हैं वे अपना एक आइडियाज़ देते हैं कि हमारे पर्टिकुलर एस्टिमेट दिया जाता है उनके द्वारा कि हमारा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इतना खर्च होगा फ्यू मंथ्स के लिए और 1 year के लिए. उसी के बिहाव पे ही जनरल मैनेजर या अदर जो हमारी टीम होती है वो सभी मिलकर अपने बजट पे वर्क करते हैं. वंस द बजट इज़ अप्रूव्ड ईच मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज़ ऑब्लिगेटेड टू अबाइड बाय द बजट एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज डिपार्टमेंटल एक्सपेंसिस टू एलोकेटेड अमाउंट. जब हमारा एक बार बजट बन जाता है उसके बाद हमारे जितने भी मैनेजमेंट होती है या हमारा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट की पूरी टीम होती है, वो सभी अपने माइंड में उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि उन्हें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए 5 lakh, 10 lakh कितना बजट मिला है और उसी बजट के आधार पर ही वे अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं. टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. यहाँ पर हम बजट जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कि हमारा किस तरीके का खर्चा है, उसी के बेस पर हमने बजट को डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज कैपिटल बजट एंड सेकेंड इज ऑपरेटिंग बजट. कैपिटल बजट मेक्स प्रोविजन फॉर ऑल द आइटम्स ऑफ द कैपिटल असेट्स. दीज आर असेट्स दैट आर नॉट नॉर्मली यूज अप इन द डे टू डे लाइफ. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड रिपेयर एज फ्रॉम ऑफ द कंट्रोल. कि जो कैपिटल बजट है इसके अंदर हमारा डेली रूटीन वाला एक्सपेंसेस नहीं आते. इसमें हमारे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कितने अमाउंट लगा कर स्टार्ट करा. मान लीजिए आप कोई एक आउटलेट स्टार्ट करते हैं, आप कोई कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में 10 lakh चाहिए. दैट इज़ योर कैपिटल बजट कि हमारा स्टार्टिंग में हमें 10 lakh चाहिए. इसके अंदर आपकी परचेजिंग आ गई, आपकी रिपेयर्स आ गई, जो भी आपने प्रीमाइसिस के अंदर असेट्स जो भी आपने लिए हैं उनको खर्च करा है. दैट इज़ ऑपरेट. सेकंड इज़ द ऑपरेटिंग बजट. मेक प्रोविजन फॉर ऑल दोज आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल क्लीनिंग एजेंट्स, गैस सप्लाई, सैलरीज एंड वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एटसेट्रा. ऑपरेटिंग बजट हमारा वो बजट है जिसके अंदर हमारी सभी सैलरी वेजेस प्लस हमारा जो भी हम गेस्ट के रूम के लिए सप्लाईज लाते हैं या हम रेस्टोरेंट के लिए जो भी सामान खरीद कर लाते हैं, उसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो हम हाउसकीपिंग में यूज़ करते हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे हमने लॉन्ड्री है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखी हुई है, तो ये जो सारे खर्चे हैं दैट इज़ अंडर द ऑपरेटिंग बजट. प्री ओपनिंग बजट. जब आप बजट स्टार्ट करते हैं, सॉरी जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो आपने माइंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने माइंड में रखा 10 lakh का
कि मेरे को 10 लाख चाहिए अपना कैटरिंग का या अपने कोई आउटलेट स्टार्ट करना है, दैट इज़ अ प्री ओपनिंग। और कैपिटल का हो गया कि वो उसी के ही आगे पार्ट है कि आपने उसमें से आपको 10 लाख चाहिए जिसमें से आपको 2 लाख जो स्टार्टिंग में जो छोटा मोटा कोई खर्चा करना है, ठीक है, आपने जब किसी भी अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपने कहा कि वैसे तो मुझे सिर्फ अभी 1 लाख ही चाहिए लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे जो पैसा चाहिए होगा, फिर वो जो पैसा आपने, जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख इज़ द ऑपरेटिंग कैपिटल बजट है ना, और और ये आपका है प्री ओपनिंग बजट। तो आपने उसमें से प्री ओपनिंग के लिए 2 लाख ले लिए या 1 लाख ले लिया, और जो 8 लाख है वो आपको टाइम टू टाइम उसमें हेल्प चाहिए जब, तो आप उसमें से लेते रहेंगे, दैट इज़ योर कैपिटल बजट एंड प्री ओपनिंग बजट। ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, अब आपका जो बजट है वो दूसरा टाइप है उसका, डिपार्टमेंट्स, जो जो डिपार्टमेंट है उनके बेसिस पे बजट को बांटना, जैसे कि मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट। मास्टर बजट हो गया, जैसे एक मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने अपने पूरे आउटलेट के लिए 10 लाख प्लान करा, 10 लाख के बाद उसमें से उन्होंने फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1 लाख दे दिया, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट को 1 लाख दे दिया, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को 1 लाख दे दिया, सेल्स एंड मार्केटिंग है उन्हें 1 लाख दे दिया या 2 लाख दे दिया। तो इस तरीके से जो मास्टर बजट में से आगे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होगा, दैट इज़ डिपार्टमेंटल बजट, एंड द मास्टर बजट इज़ जो एक होल सेल हमारा लमसम जो हमारा एक मेन बजट है, जैसे 10 लाख ये हमारा मास्टर बजट है। दिस represent the forecasted budget for the whole organization and incorporate all income and expenditure estimated for the organization. क्यों मतलब आपके पूरे organization के ऊपर जो भी खर्च होगा, expenses, income, ठीक है, जो भी आएगा वो सारा master budget का part रहेगा। and departmental budget, each department of the hotel forward a budget for its estimated expenses and revenue to the financial controller. For example, housekeeping budget, FMB budget, room division budget, combined budget for both front office and the housekeeping department budget. On the basis of flexibility of the expenditure, कि आपकी किस तरीके के खर्चे हैं। अब ये थर्ड टाइप हमारा है, types of flexibility of expenditure. Fixed budget, these budget remains unchanged over a period of time and are not related to the volume of the sale. For example, rent, insurance, depreciation, etc. ऐसे budget, ऐसा खर्चा जो हमारा फिक्स है कि इस बिल्डिंग का हमने हर महीने 10,000 रुपये रेंट देना है, तो वो हमारा फिक्स बजट के अंदर आ गया। कि आपने किसी बिल्डिंग मेंटेनेंस करवानी है, आपने कोई मशीन रिपेयर करवानी है, तो उसके जो भी खर्चे हैं, जो भी आपके मतलब कि अगर आप वैक्यूम यूज़ करते हैं या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि डेली ये मशीन हमारे इतने फ्लोर, बफिंग मशीन है वो डेली हमारे 4 फ्लोर हैं उनकी सफाई करते हैं, बफिंग करते हैं हम उससे, तो उसके जो ब्रशेज़ हैं वो हर महीने हमें चेंज होंगे, या मोप्स हैं, आप जो भी मोप्स यूज़ कर रहे हो, ब्रूम यूज़ कर रहे हो, आपको पता है एक ब्रूम से हम एक मंथ ही निकाल पाएंगे या 20 डेज निकाल पाएंगे, उसके बाद हमारा हर 20 दिन के बाद मोप और ब्रूम का खर्चा है, आपके बफिंग मशीन के ब्रशेज का खर्चा है आफ्टर 1 मंथ। तो ये सारे हमारे फिक्स कॉस्ट हैं कि हमें पता है ये हमारे खर्चे होने ही होने हैं, दैट आर अंडर द फिक्स बजट। फ्लैक्सीबल बजट, दीज आर ऑल्सो प्री डिटरमाइंड बजट बेस्ड ऑन द रिवेन्यू एक्सपेक्टेड बट डिफर विद द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सेल। फ्लैक्सीबल बजट आपके हो गए कि आपने जो भी एक प्लान किया था कि मेरे को डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इतना खर्चा चाहिए, लेकिन फिर अचानक से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ गई जिससे वो खर्चा कम हो गया। मान लीजिए आपको मैन पावर आपकी जो काम कर रही थी, आपने सोचा था कि आगे ये मैन पावर मुझे ज़्यादा चाहिए होगी ये पीक सीज़न में, बट ड्यू टू कोविड तो आपका पीक सीज़न भी बहुत ही लिस्ट गया, आपके कस्टमर बहुत कम आए। तो क्या हुआ, वो जो आपने बजट प्लान करा था कि मेरे को इसके लिए 50,000 चाहिए होंगे 1 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए, तो आपका वो जो लास्ट 6 मंथ गए हैं वो कोविड की वजह से कोई ऐसे या कोई और रीज़न हो गया, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कम होगी, ठीक है, तो इस वजह से जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आई या अचानक से बढ़ गई, आपको पता था कि 50,000 लगेगा बट आपका एक्सपेंसिव 60-70 तक आपका बजट चला गया, ये किसी भी रीज़न से हो सकती है हमारी, ठीक है, दैट इज़ अंडर द फ्लेक्सिबल बजट। Thank you. Please like and subscribe our channel.